सो hmm. so, uh, जैन साथियों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अकेडमी पर कैसे आप लोग प्रकृति में प्रकृति में आपदा प्रबंधन जी हाँ दोस्तों प्रकृतिक आपदा प्रबंधन का पोर्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने क्या क्या देख लिया आपको मालूम है जी हाँ यहाँ पर uh, कलर का थोड़ा सा इशू है वो ठीक कर देते हैं क्लियर अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल हमने ज्वालामुखी के आपदा और उसके प्रबंधन के बारे में देख लिया था क्या होता है आपदा प्रबंधन? एक्चुअली आपदा प्रबंधन जी हाँ अगर हम बात करें तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं किसी भी प्रकार की प्राकृतिक हो या मानवीय आपदा हो उससे बचने का या उसके आने के बाद उसके समाधान का अगर कोई हम प्रबंध कर देते हैं तो उसे बोलते हैं आपदा प्रबंधन और पूरे विश्व में हर एक कंट्री अलग अलग प्रकार से अपने आपदा प्रबंधन को जस्टिफाई करती है और उसको ट्रीट करती है अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हमने देखा था कि ज्वालामुखी फटते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है और ज्वालामुखी के बाद उसके आपदा प्रबंधन का करने का ज्यादा कोई तरीका इसलिए भी नहीं है क्योंकि क्योंकि समस्या क्या आ जाती है ज्वालामुखी फटेगा मतलब फटेगा उसको आप रोक नहीं सकते लेकिन हाँ उसका अगर आगाज आने से होने से पहले हमको पता चल जाए तो हम उससे बच जरूर सकते हैं उससे लोगों को विस्थापित कर सकते हैं तो आज देखेंगे भूकंप लेकिन उसके पहले लगा के सूचित कीजिए अगर आवाज क्लियर आ रही है तो आज देखेंगे भूकंप जी हाँ लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ये मेरा प्रोफाइल आपको सबको मालूम ही है ऑलरेडी हम बता चुके हैं लेकिन अभी हम अनकेडमी पर एक बहुत ही बेहतरीन चीज मिलने वाली है कि कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट पी एस सी का मेन्स और बेच कोर्स सब मिलेगा टॉप क्लास एजुकेशन नाम मात्र की फीस में मिलेगी और देखिए फेवरेट टीचर के साथ आप पढ़ सकते हैं बहुत कुछ और हाँ डी टी लाइव कोड अगर आप लगाएंगे तो डिस्काउंट भी मिलना शुरू हो जाएगा तो डिस्काउंट लेने के लिए डी टी लाइफ कोड आप अप्लाई कर सकते हैं साथ ही साथ अगर कोई कंटेंट मिलता है आपको तो आप उसकी कंप्लेन करके भी बता सकते हैं जी हाँ आवाज है तो वाई लगा दीजिए भाई किसी ने वाय नहीं लगाया तो मुझे लगा आवाज तो नहीं है ऐसा गायब हो गई अब आया ठीक है अब समझते हैं डीटी लाइव कोड ही इंपॉर्टेंट क्यों है और भी तो कोड है सर लगाने के लिए लेकिन डी टी लाइव कोड लगाने से बेनिफिट क्या मिलने वाला मैं आपको बता दूं कि आप डिस्काउंट तो सब लोग दे रहे हैं बट मेंटरशिप के लिए अगर आपको लगता है कि मेरी मेंटरशिप चाहिए तो डी टी लाइव कोड आप लगा सकते हैं अन अकेडमी पर जब भी लगाना है डी टी लाइव कोड ही लगाना है इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए चलिए सर भूकंप की बात कर लें भूकंप की बात कर लें ले। तो आज भूकंप भूकंप समझने वाले हैं यहाँ पर क्या समझने वाले हैं भूकंप को समझने वाले हैं यहाँ पर भूकंप अर्थक्वेक भूकंप अर्थक्वेक भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला कंपन आकस्मिक कंपन जिसे जिससे धरती क्या हो जाती है कांप जाती है थर्रा जाती है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है यह प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है कल हमने के दबने से या टूटने से उत्पन्न हो सकता है ये चट्टाने जमीन के अंदर हो सकती है अगर इनमें संपीडन हो जाए अगर ये दब जाए ये मैं कल पढ़ा चुका हूं इससे थोड़ा थो फास्ट कर रहा हूँ कल की क्लास आप देख सकते हैं ठीक है उसमें अपना काम हो जाएगा रीड ने प्रत्यास्था और पुनच्चरण का एक सिद्धांत दिया था यहां से क्वेश्चन बनता भी है रीड ने दिया था प्रत्यास्था और प्रत्यास्थ का सिद्धांत जिसमें प्रत्येक चट्टान के दबाव सहने की या खिंचाव सहने की एक क्षमता होती है उसके बाद वो टूट जाती है यानी कि एक पर्टिकुलर समय तक ही वो दबाव झेल सकती है या फिर उसका खिंचाव झेल सकती है तो वही लिखा हुआ तनाव सहने की क्या होती है एक सीमा होती है तो यदि तनाव और बल अधिक हो जाए तो चट्टान टूट जाती है और टूटी हुई चट्टान पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाती है इससे भ्रंशन घटनाएं होने लगती हैं यानी कि चट्टान पहले तो टूटी खिंचाव की वजह से अब टूटी उसके बाद फिर वापस जुड़ने की कोशिश करेगी या फिर वापस अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी तो उस समय क्या हो जाएगा ये चट्टान क्या हो जाएगी टूट जाएगी ठीक है सर एक मिनट आवाज तो ठीक है ये माउस काम नहीं कर रहा चल रहा चलो ठीक है यदि तो चट्टान टूट जाती है इस संदर्भ में विवर्तनिक रूप से अस्थिर प्रदेशों में सड़कों बांधों और विशाल जलाशयों आदि का निर्माण हो जाता है जब प्लेट्स में उथल पुथल होती है तो वहां पर कहीं गड्ढे खड्डे बन जाए तो विवर्तनिक रूप से अस्थिर प्रदेशों में सड़कों बांधों और विशाल जलाशयों के आदि का निर्माण हो जाता है इसके अलावा परमाणु परीक्षण भी भूकंप के लिए उत्तरदायी है इसके अलावा क्या परमाणु परीक्षण भी भूकंप के लिए उत्तरदायी है भैया परमाणु परीक्षण होगा तो उससे क्या होगा जमीन के अंदर कंपन होगा कंपन होगा तो क्या हो जाएगा कोई भी चीज देखो हिलेगी जरूर परमाणु परीक्षण में क्या होता है एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है जमीन के अंदर जब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा वहां पर चीजें चट्टाने भी हो सकती है मिट्टी भी हो सकती है हिलेगी तो कोशिश ये जारी रहती है कि ऐसे स्थान पर परमाणु परीक्षण किया जाए जहां पर जनसंख्या नगण्य हो या कम कम से कम या हो ही ना या पहले से बन कर देते हैं इनको बता देते हैं भाई की यहां परीक्षा करने वाले हैं तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा वृद्धि हो जाती है इसलिए भूकंप को अगर आपको मतलब भूकंप के आने की आशंका पता कहीं चलती है वायुमंडल में अगर रेडॉन गैस की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये बड़ा अच्छा एक सिंबल है बड़ा अच्छा एक सिग्नल है जिसके माध्यम से हम भूकंप आने के पहले ये बता सकते हैं कि भूकंप आ सकता है अच्छा हमने कल एक चीज डिस्कशन की थी कि कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि फॉल्ट भूकंपीय केंद्र भूकंपीय तरंग इनकी हम बात करें तो जिन जगह से भूतरंगे उत्पन्न होती हैं, उसे भूकंप मूल या केंद्र कहते हैं वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे अधि केंद्र या फिर क्या कहते हैं टिप्पी सेंटर बोलते हैं जो ऊर्जा भूकंप के मूल से निकलती है उसे भूकंप प्रत्यास्थ ऊर्जा भी कहते हैं भूकंप प्रत्यास्थ ऊर्जा भी कहते हैं तो देखो साहब crawl... जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसे बोलेंगे भूकंप का क्या भूकंप केंद्र और जहां जाकर सबसे पहले ये टकराती है जमीन पर केंद्र तो जमीन के अंदर होगा और जाके जब जमीन की सतह पर टकराता है उसे क्या बोलते हैं एपी सेंटर क्या बोलते हैं बेटा एपी सेंटर तो जहां पर ये टकराता है उसे एपी सेंटर बोलते हैं ठीक है सर भूकंप की गहराई के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण भूकंपों का वर्गीकरण क्या है तो जीरो से पचास किलोमीटर दूर सामान्य भूकंप भूकंप का जो मूल यानी कि जो अभिकेंद्र है मतलब कौन सा ये आपका सेंटर है ये भूकंप का केंद्र है इसकी गहराई की बात चल रही है साहब कितने अंदर है तो अगर ये जीरो से पचास किलोमीटर तो सामान्य भूकंप मध्यवर्ती भूकंप कौन सा कहलाएगा पचास से ढाई सौ किलोमीटर और अगर गहरा या पातालीय भूकंप किसको कहेंगे जिसका सेंटर या जिसका केंद्र कहां होगा 250 से 700 किलोमीटर बहुत अच्छे लिख लो साहब ठीक है इतना काम समझ में आ गया ये तीन प्रकार के भूकंप हमको यहां पर मिल रहे हैं ठीक है यहां तक तो हमने कल समझ लिया था अब हम बात करते हैं समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंपीय रेखा या भूकंप समघात रेखा कहते हैं समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंपीय रेखा या भूकंप समघात रेखा कहते हैं अब यार देखो आई आइजोमल और होमोसिजमल तो आइजोसीजमल और होमोसीजमल दो प्रकार की लाइन होती हैं तो आइजोसीजमल समघात रेखा जहां जहां पर समान तीव्रता का भूकंप टकराता है तो देखो समघात एक बराबर आघात लगने वाला और एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को होमोसीजमल लाइन कहते हैं तो भैया एक ही समय पर आने वाले भूकंप क्षेत्र मतलब एक ही समय पर जहां जहां भूकंप आते हैं उन्हें बोलते हैं होमोसिजमल नाम लिख लो क्वेश्चन से आते हैं चेतना शर्मा जी नमस्कार फॉलो कर लीजिए लगातार दिनेश ठाकुर के नाम से आप दिनेश ठाकुर एम पी जी के एमपी जी के बाद दिनेश ठाकुर सर्च करके आप एमपी जी के बाद दिनेश ठाकुर सर्च कीजिए आपको बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली है ठीक है उनका आप यूज कर सकते हैं प्राथमिक अथवा ऊर्धवर तिरंगे ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे हैं जीवन ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं और ये हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था ठीक है इसके आगे हम आज देखने वाले हैं डोंट वरी देखो सर जितनी भी ऊर्द्वाधर अनुदैर्ध्य सॉरी अनुदैर्ध्य प्रकार की तिरंगे हैं उन्हें क्या बोलते हैं पी जे टकरा रही सारी देख रहे हैं ये पी, पी तरंगे. और पीतरंग का छाया क्षेत्र आपको अलग से दिखाई दे रहा है ये का छाया क्षेत्र आपको अलग से दिखाई दे रहा है सर्वाधिक तीव्रता गति इन्हीं की होती है सब सर्वाधिक तीव्रता गति इन्हीं की होती है यह ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती है यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है पंद्रह सौ छप्पन में सासी जो चीन का एक स्थान है बहुत अच्छे दुलभुरिया जी बहुत अच्छे उन्होंने लिखा है कि सबसे भयानक भूकंप आया था जिसमें आठ लाख तीस हजार लोग मारे गए थे अपडेट अब, अब बात करते हैं कि ठोस की तुलना में इन तरंगों की गति क्या होती है मंद हो जाती है और यहां पर हम बात कर रहे थे यहां तक हमने कल देखा था एस तरंग ये कौन सी तिरंगे हैं एस तरंगे ये वाली जो है ये एस एस्तरंगे हैं और एस तरंगों की तुलना में इनकी गति कितनी होती है सिक्सटी सिक्स परसेंट अधिक होती है पी की पी ज्यादा तीव्र होती हैं इनको भी आप लिख लीजिए तरंगे ज्यादा तीव्र होती हैं अनुप्रस्थ अथवा गोड़ तरंगे ये हैं S अनुदैर्ध्य समझ में आ गई अब अनुप्रस्थ तो देख लो बेटा ये जो तरंगे दिखाई दे रही हैं इन्हें S तरंग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगों की ये प्रकाश की तरंगों जैसी चलती हैं अब इसमें क्वेश्चन कई बार आपको हवेली पर भी मैंने पूछा है कि सिर्फ ठोस माध्यम, माध्यम में ही गमन कर सकती हैं S तरंगे क्या सिर्फ ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती हैं तरंगे तरल माध्यम में प्राय लुप्त हो जाती हैं, तर तरल माध्यम में प्राय लुप्त हो जाती हैं, तरल माध्यम में प्राय तो पीतरंगे तो गमन कर सकती हैं, नहीं कर सकती है इसलिए दोनों का पॉइंट आपको लिखना है अतुल बुढ़िया जी आज मतलब कहा से खोज खोज के लाए ठीक है जी हाँ दस मिनट तक चला था दो हजार चार का भूकंप सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला बहुत अच्छा दीप्ति रामदेव जी लेट हो गई आप क्या बात है कोई बात नहीं बट क्लास में मजा आएगा चिंता ना करें चलिए साहब भूकंपीय तरंगों की बात करें तो ये पृथ्वी के कोट से गुजर नहीं पाती ऐस तिरंगे पृथ्वी के कोट से गुजर नहीं पाती अतः तरंगे पृथ्वी के क्रोड की तरल होने के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है बोले जरिया क्या चीज लिख दी आपने मैं आपको एक बात बताता हूं पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना या पृथ्वी के अंदर क्या है उसकी स्पष्ट जानकारी हमको कई सारे स्रोतों से प्राप्त नहीं होती है लेकिन भूकंप से हम कई सारी चीजें बता पाते हैं तो उनमें से एक चीज यह भी है कि पृथ्वी का क्रोध तरल है इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि क्रोड में ऐस तरंगें नहीं होती पृथ्वी कोड, कोड में ऐस तरंगे नहीं होती क्या बात सर कैसे पता चला ये ऐसे पता चला हमको कि क्रोड में एस तरंगे गमन नहीं कर पा रही इसका मतलब तरल होगा क्योंकि ऐसांगे तरल में गमन नहीं करती बहुत अच्छा फैक्ट है लिख लो साहब मतलब सर जी उदाहरण देकर समझाइए ये वाला यही बोल रहा था मैं कि इस तरह अब जैसे मान लो कि यहां पर ठोस है तरंग याद जा रही है इस तरंग और यहां पर नहीं जा पा रही इसका मतलब क्या है ये तरल है पी तरंगों की तुलना में इसकी गति फोर्टी परसेंट कम होती है ठीक साहब मान गए अपन लाइव ठीक है अब लिख लो साहब अब एक बात और लिखनी है अपने को कुछ धरातलीय तरंगे भी गुड मॉर्निंग लता जी गुड मॉर्निंग पिंकी जी नमस्कार ये अत्यधिक प्रभावशील एवं सबसे लंबा मार्ग तय करने वाली तरंगे होती है धरातलीय तरंगे ठीक है अब भूकंपी तरंगों में हमने डिवाइडेशन किया है पी एस अब धरातलीय की बात करें तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करने वाली तरंगे कौन सी होती है धरातली तरंगे होती है ये तो जमीन के अंदर घूम रही थी एस और पी ठीक है अब ऊपर सतह की बात करें तो धरातली तरंगे हैं और इनका प्रभाव सबसे अधिक विनाशकारी होता है इनकी गति काफी धीमी होती है ये देर से पहुंचने वाली तरंगे हैं क्या हो बेटा ये देर से पहुंचने वाली तरंगे हैं बहुत बढ़िया जिनने जिन्हें अभी तक शेयर नहीं किया एक बार और कर देना ठीक है इन्हें एल तरंगें भी कहा जाता है पी और एस युग्म की तरंगे पी और एस युग्म की युग्म की तरह चलती है ये पी और एस युग्म में चलती है पी और एस की गति सर्वाधिक होती है एल तरंगे की गति कम होती है ये भी आपने, आपने लिख लो एल सबसे कम पी सबसे ज्यादा और उसके बाद एस ओके okay लगा दो समझ में आ गया हो तो अब तरंगों के चलने की वजह से ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं और यही बात है कि तरंगों की गति भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम क्या कर सकते हैं इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था यह 9.5 मैग्नीट्यूड की तीव्रता का है चिली में आया हुआ भूकंप 9.5 मतलब ये मान चलो कि सब कुछ तहस नहस अगर आप बात करें तो चार पांच तीन साढ़े तीन का तो आता रहता है अभी रिक्टर पैमाने पर तीन साढ़े तीन पॉइंट का तो आता रहता है छह या पांच से ऊपर वाला नुकसानदायक बहुत होता है छह सात में तो हालत खराब हो जाती है अब सोच लो नाइन पॉइंट फाइव आया होगा तो ये माने चलो कि गड्ढे फड्डे बन गए होंगे ठीक है बहुत अच्छे अतुल बोरिया जी चलो साहब रॉसी फेरल स्केल अब देखो भूकंप लेखी कौन कौन से कौन कौन से यंत्र हैं जिनसे हम भूकंप की तीव्रता माप सकते हैं देखो आपको याद आया कुछ इस प्रकार का था जिसमें ये टेप है और टेप में क्या है ये ऐसे से दिख ऐसे दिख रहा है ऐसे ऐसे भाई जब कोई कंपन होगा चीज तो यहां दिख जाएगी अपने को तो रोसी फेरल स्केल इसमें एक से ग्यारह तक का मान था मरकेली स्केल यह अनुभव प्रधान स्केल है रिक्टर स्केल यह लघु गणकीय मापक है जिसकी तीव्रता जीरो से दस होती है प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में दस गुना अधिक तीव्रता रखती है यानी कि एक का मतलब एक से दो होगा तो एक मत... के बाद दो होगा तो बीस गुना हो गया तो यह गुना टेन टाइम्स तीव्रता रखती है पिछली इकाई की तुलना में जितनी तीव्रता पिछली थी उसमें दस का मल्टीप्लाई कर दो टेन गुना अधिक तीव्रता रखती है ये दोनों बातें आप लिख सकते लिख लो भाई आज हवेली की क्लास दस बज के पंद्रह मिनट पर होगी भारत आपने एक ये चीज देखी होगी कि भारत बना कैसे तो ये इंडिया लैंडमार्स जो था ये कुछ इस प्रकार से इंडिया खिसका और या सीधे जाके ये यहां पर यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा के अभी इंडिया वर्तमान में ऐसा बन गया है ठीक है इकहत्तर मिलियन साल पहले भारत ऐसा था फिर धीरे धीरे पचपन मिलियन साल पहले भारत यहां पहुंचा अड़तीस मिलियन ईयर्स पहले यहां पहुंचा दस मिलियन पहले ऐसा था और अब ऐसा आ गया ठीक है तो ये भारत में का कारण क्या है? कि भारतीय प्लेट का यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 45 मिलीमीटर mm वर्ष की दर से 45 मिलीमीटर, mm, 45 मिलीमीटर mm क्या होता है ये प्रति वर्ष यूरोप की तरफ खिसक रहा है ऐसा वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है इसके अतिरिक्त यह धीरे धीरे एंटी एंटीक्लॉकवाइज घूम भी रहा है देखो पहले ऐसा था भारत ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ घूम जाएगा पूरा किसी समय तो ये इस प्रकार से भारत जा रहा है वामावर्त मतलब होता है एंटीक्लॉगवाइस अब बलूचिस्तान में 42 मिलीमीटर mm प्रतिवर्ष की दर से वाम वाम पासविक यानी कि जो लेफ्ट साइड की तरफ धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है चीजें बदल रही है घूम रही है तो भारत में पर्वतमालाओं में पचपन मिलीमीटर mm वर्ष की दर से दक्षिण पार्श्विक समर्पण हो रहा है तो यहां पर ये जो जगह दिखाई दे रही है ये, ये बलूचिस्तान की जगह है बयालीस मिलीमीटर mm प्रतिवर्ष की दर से ये रूपांतरण इसका हो रहा है कमेंट नहीं आ रहे क्या बात कर दी कमेंट बंद हो गए क्या कुछ दिनों बाद नहीं राहुल करपेंडर जी कई करोड़ों साल बाद कहां पहुंच जाएगा ये देखना पड़ेगा आपने कई करोड़ों साल बाद कहां पहुंच जाएगा ये हिमालय का पर्वतीय भाग एवं उत्तर का मैदान भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है जिससे यह प्राय भूकंप आते हैं तो देखो यह भूकंप आते हैं ठीक है पिछली एक सदी में इस क्षेत्र में अनेक बड़े भूकंप आ चुके हैं इसमें असम कांगड़ा कांगड़ा कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश बिहार नेपाल उत्तराखंड में बहुत सारे भूकंप आए हैं और खास करके उत्तरी भारत में ही भूकंप ज्यादा आते हैं इस बात से ये प्रमाणित होता है जी हाँ ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है धीरे धीरे इंडिया की तरफ देखो कब आएगा हाथ मिलाने देखते हैं, चलते हैं। चलते ठीक है सर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर मणिपुर राज्य के में वर्ष 2016 में आए भूकंप में करीब 20 लोगों की मृत्यु हुई थी ब्रद स्तर पर जानमाल की नुकसान भी हुआ था और 6.7 इस भूकंप की तीव्रता थी अब भारत के प्रायद्वीप पठार में जो भारत का जो प्रायदीपी पठार है वो अपेक्षाकृत स्थिर ज्यादा है तो क्या बोलते हैं अधिक स्थिर भाग है तो जो भी हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भाग है ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला यहां पर भूकंप कमाते हैं लेकिन हाँ इनके किनारों पर चक्रवात आ जाते हैं समस्या वहां पर भी है सर ये सुनिए मैंने स्टेटस में तीन शादियां लगाई हैं गजब की देख लूंगा आज मैं काव्य व्यवहार जी बिल्कुल देखता हूं भारत का अपराधी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्तर भूभाग है कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार लातूर देखो लातूर में भूकंप बहुत आते हैं उस्मानाबाद महाराष्ट्र के निकट और भीमा कृष्णा नदी किनारे भ्रंश रेखाओं से विकसित हुई मतलब इन जगह पर भ्रंश घाटियां या भ्रंश रेखाएं विकसित हुई हैं इसका, तो तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी भूकंप आने की संभावना है यहां ऊर्जा संग्रह होता और इसकी तो जाएं है और विमुक्ति के कारण जब ऊर्जा यहां पर इकट्ठी यह होती है है और वो विमुक्ति के मतलब बाहर निकलती है। तो ऊर्जा निकलने की वजह से क्या होती है भूकंप आ सकते हैं तो भीमा नदी के किनारे या कृष्णा नदी किनारे रेखा उस्मानाबाद लातूर तो यहां पर क्या होता है ऊर्जा इकट्ठी होती है और निकलने की वजह से क्या हो जाती है यह जी लिख लो इसको कोयना लातूर जबलपुर में भूकंप के प्रादीप भारत के भूगर्भ के का प्रश्न चिन्ह लगा दिया है क्या होता है कि लातूर में जबलपुर में और में और कोयना अगर भूकंप आ जाए तो जब हम बात कर रहे थे ना कि प्रादीपी भाग तो स्थिर है तो प्रादीप स्थिर है तो यहां क्यों आया तो अब ये किसी वजह से आया हो सकता है अब वो वजह ढूंढ रहे हैं ये लोग तो उन कई चीजों के अब देखो क्या होता है प्रकृति का अध्ययन करना मतलब इंसान कर तो लेता है बट कई चीज ऐसी है जिसको जिसमें साइंटिस्ट भी लाजवाब हो जाते हैं ऐसा क्यों हुआ तो वही कुछ चीजें ये भी है कि अभी तक तो बोल रहा था भाई उत्तर में ही आता है वो कम प्रायदी स्थिर है बट ये लोग भी स्थिर नहीं है अब देखो जहां जहां ये ग्रे दिख रहा है ना आपको जहां जहां, जहां ये मतलब हल्का ग्रे क्या बोलेंगे तो हल्का येलो ही बोल सकते हो क्रीम कलर का ये कम तीव्रता वाले भूकंप यहां पर आते हैं जहां जहां ये दिख रहा है ये हल्का सा क्रीमी कलर कलर ज्यादा डार्क क्रीम वाला सामान्य तीव्रता वाले ठीक है सामान्य तीव्रता वाले और चार अधिक तीव्रता वाले ये वाले देखो ये ये, ये ये एरिया है जो येलो वाला दिख रहा है ना येलो वाला ये अधिक तीव्रता वाले और जो लाल एरिया दिखाई दे रहा है रेड जोन देखो ये आपका गुजरात के कच्छ के पास वाला और जहां जहां लाल एरिया दिखाई दे रहा है ये आपका बहुत अधिक तीव्रता वाले बहुत अधिक तीव्रता वाले नोट करो इनको यह माना जाने लगा कि भारत का कोई भी प्रदेश भूकंप रहते नहीं है पहले तो बोलते थे भाई प्रादीपी बट यहां पर भी भूकंप आ जाते हैं क्योंकि भारतीय है प्लेट के उत्तरी खिसकाव के कारण उत्पन्न दबाव जनित बल के कारण पठारी भागों के आंतरिक आंतरिक स्थिति में क्या हो रहा है ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जब ऊर्जा बाहर निकलने का प्रयास करती है तो प्लेट के अंदर क्या होता है भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं ठीक है चलिए सर यही कारण है कि भूगर्भिक रूप से स्थिर भारतीय प्लेट में भी भ्रंश उत्पन्न हो गए हैं और भूकंप आने की आशंका बनी रहती है चलो भारतीय अफ्रीकन प्लेट के संगम पर स्थित होने के कारण विगत समय में गुजरात राज्य के अनेक बार भीषण भूकंपों का शिकार हो चुका है तो भैया ये तो हो ही गया है कई बार यही कारण है कि के रूप से स्थिर भारतीय प्लेट में भी अनेक भ्रंश उत्पन्न हो गए हैं और भूकंप आने की संभावना अब बढ़ गई है यही तो था वो देखो ये टकराव ये प्लेट्स अलग है ग्रे कलर की और भारतीय प्लेट ऐसी टकराई हुई है तो इस एरिया में तो ज्यादा अनिश्चितता है कभी भी भूकंप आ सकता है इस एरिया में लेकिन बाकी जगह पर भी आजकल भूकंप आना शुरू हो गए हैं इसका फोटो खींच के रख लो ठीक है भारतीय अफ्रीकन प्लेट के संगम पर स्थित होने के कारण गुजरात राज्य में भी अनेक बार भूकंप आ जाते हैं ये देखो ठीक है बहुत बढ़िया अरे यार ये फ्लक्चुएट होने के बाद बंद हो गया पता नहीं क्या हुआ चलो हवेली पर भी मिलेंगे अभी अपन कि अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मैं जिम्मेदार कि भाई कोई दिक्कत आए तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा मेंटर से मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत ठीक है